आज इस वीडियो में हम आपको असेसमेंट ईयर 2016 के हिसाब से टैक्स कंप्यूटेशन सिखाएंगे। पिछली वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूं कि किस तरह से हमारी जो है नेट इनकम कैलकुलेट होती है, मींस देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम और उसमें से कुछ डिडक्शंस जो है वो माइनस करके हम नेट इनकम पे पहुंचते हैं। अब असेसमेंट ईयर 15-16 के हिसाब से जो लेटेस्ट टैक्स रेट्स हैं वो आपको समझाने हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लेटेस्ट जो है वो 2.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री है। बता रही समझ में? पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। दिस इज रूल इज सेम फॉर मेल एंड फीमेल टैक्स पेयर। बहुत साल पहले ऐसा कभी होता था, हो सकता है फ्यूचर ईयर्स में भी आ जाए, कि लेडीज एंड जेंट्स पे जो टैक्स रेट्स थे वो थोड़े डिफरेंट होते थे। लेडीज के लिए एग्जेम्पशन ज्यादा होती थी, बट अभी तो दोनों का सेम है। तो यानी क्वेश्चन में मिस्टर एक्स हैं या मिसेज एक्स हैं, उससे कोई हमारी कंप्यूटेशन पे इंपैक्ट नहीं है। इंपैक्ट जो पड़ता है वो एज के हिसाब से पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि जो स्लैब मैं इससे मैं आपको सिखा रहा हूं, ये स्लैब है। अगर असेसी की जो एज है, असेसी एज इज लेस देन 60 ईयर्स, ठीक है, 60 साल से कम अगर असेसी की उम्र है, क्योंकि अगर वो 60 साल का है तो वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा और सीनियर सिटीजन के टैक्स रेट डिफरेंट है। नाउ अगर एज जो है वो 60 साल तक हो, यानी लेस देन 60 हो, तो पहले 2.5 लाख टैक्स फ्री है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक जो इनकम जा रही है उस पे 10% टैक्स लेती है गवर्नमेंट। बात आ रही समझ में? एक्चुअली जो हमारे इंडिया में टैक्सेशन का सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कहलाता है। इट इज नोन एज प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन का मतलब ये हो गया कि जो जितना ज्यादा अमीर होता जाएगा उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। खैर, तो पहले 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं है लेटेस्ट असेसमेंट ईयर 15-16 के हिसाब से, और 2.5 लाख से ऊपर जो अगले 5 लाख तक इनकम है उस पर 10% टैक्स लगेगा। यानी अगर 2.5 लाख से ऊपर किसी बंदे की इनकम सपोज 2,60,000 है, तो पूरे 2,60,000 पे नहीं, जो 2.5 लाख से ऊपर है, यानी 10,000 पे 10%, 1,000 रुपया उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, मैं चलो यहां तक आपको एक एग्जाम्पल ही दे देता हूं। सपोज एक बंदे की, फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की जो इनकम है वो आ रही है सपोज 2,90,000। तो कैसे हमें इसको शो करना है एग्जाम के अंदर? तो इसको आप इस तरह से करेंगे कि जो फर्स्ट 2,50,000 है, समझे? नहीं, इस पे आप करेंगे फर्स्ट 2,50,000 पे यू विल शो इट 0% इज इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट जो उसका बच गया 2,90,000 में से कितना बच गया, 40,000। तो उस 40,000 पे आप 10% टैक्स दिखाएंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 4,000। तो जो इसका टोटल टैक्स बनेगा दैट विल बी ₹4,000। ठीक है, आई थिंक इजी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको फर्दर इलस्ट्रेट नहीं कर रहा। नाउ जो हमारा तीसरा स्लैब है वो ये है कि 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक, अरे बस उनमें, अगर 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक ये जा रहा हो, तब जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से 25,000 तो उसके बन ही जाएंगे ना, 25,000, और जो डिफरेंस है उस पर 20%। 25,000 कहां से आए? ऊपर वाले स्लैब में मैंने आपको बताया था कि भाई 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% टैक्स लगना है। यानी अगर किसी का 5 लाख से ऊपर है तो इस 2.5 लाख वाले पोर्शन पे उसको 10% ही टैक्स लगेगा, यानी वही 25,000। तो इसलिए रूल क्या है कि जो 5 लाख से ऊपर इनकम है उस पर 20% और 25,000 तो ऐड होने ही होने हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक सिंपल वे में समझाता हूँ तरीका, इसको एग्जाम में कैसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक बंदे की जो इनकम है दैट इज ₹6 लाख। अब जो मैंने बताया उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पहले 2.5 लाख यू हैव टू टेक 0%, ये हमेशा ऐसे ही शो करना है एग्जाम के हिसाब से, प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, इसको आप 0 लिख दो या निल लिख दो। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट 2,50,000, ये हमेशा करना है जब इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाए, तो 10% आपने दिखाना है और ये हो गया आपका 25,000। ठीक है ना, और आपने करना है नेक्स्ट या बैलेंस जो भी आप लिखना चाहें। अभी मैंने एग्जाम्पल में लिया 6 लाख, तो डिफरेंस बन गया 1 लाख। अब इस 1 लाख पे टैक्स आएगा 20%।
देखिए अभी मैंने एक थोड़ी सी देर पहले ही आपको बताया था 1,20,000 हो गया 20,000, तो इसका मतलब इसका जो टोटल जो टैक्स आ गया दैट इज रुपीज 45,000। जो मैंने भी आपको बताया था प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, उसका एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं कि बंदे पे पहले 2.5 लाख तक 0% टैक्स लगा, फिर अगले 2.5 लाख पे 10% आया, फिर जब 1 लाख को उसने क्रॉस किया, 5 लाख को क्रॉस किया, तो उसके बाद जितनी इनकम आई उस पर 20% लगा। यानी जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? आई थिंक इट इज वेरी इजी। तो ये आपने कब कैलकुलेट करना है इस तरह से, 3 स्लैब, जब बंदे की इनकम 5 लाख से ऊपर हो और 10 लाख तक हो। चौथा जो आपका स्लैब लगेगा वो तब लगेगा जब इनकम 10 लाख से ऊपर हो, उसमें जो भी इनकम 10 लाख से ऊपर है उस पर 30% टैक्स लगता है। ठीक है, अब मैं इस चीज को दोबारा से इलस्ट्रेट कर देता हूँ प्रॉपरली। पहले मैं एक बार फिर से आपको स्लैब्स लिख के जो है वो बता रहा हूँ। हमारे स्लैब्स क्या है कि इस समय लेटेस्ट में असेसमेंट ईयर 15-16 के हिसाब से बता रहा हूँ, पुरानी बात जो थी उसमें 2 लाख तक एग्जेम्पशन थी। अब 2.5 लाख से ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो फर्स्ट 2,50,000 पे इट इज 0%। जहां तक सवाल है नेक्स्ट 2.5 लाख, उससे अगले 2.5 लाख पर जो है वो है 10%, फिर उससे अगले जो है 5 लाख, यानी एक तरह से गवर्नमेंट ने इस तरह से स्लैब्स बनाए हैं उस पर लगेगा 20%, और फिर जो भी आपका बैलेंस है 5 लाख से ऊपर चाहे फिर सॉरी 10 लाख से ऊपर चाहे 100 करोड़ हो 1,000 करोड़ हो, आपको 30% जो है वो टैक्स देना है। सो दिस इज द प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। पहले 2.5 लाख पे 0%, अगले 2.5 लाख पे 10%, फिर 5 लाख पे 20%, और उसके बाद जो भी इनकम है उस पर 30%। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह से भी ले सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक बंदे की इनकम है सपोज द नेट इनकम टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर इज से रुपीज 14 लाख। ठीक है जी, अब इसको हम ऊपर वाले स्लैब्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो जैसा मैंने भी आपको समझाया, उस बंदे की जो फर्स्ट 2.5 लाख है उस पे तो आ रहा है 0%, उसके हिसाब से ये बन जाएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख पे उसका लगेगा 10%, तो ये हो गया 25,000 2.5 लाख पे 10%। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 लाख्स हैं उस पे लगेगा 20%, ये हो गया 1 लाख। और अब आप देखिए 10 लाख से ऊपर कितना है, टोटल 2.5 और 2.5, 5, 5 और 5, 10, 10 लाख का हम टैक्सेशन निकाल चुके हैं। ब्रैकेट 14 लाख में 4 लाख, तो जो बैलेंस 4 लाख्स है परिवर्तन में उस पे लगेगा मैक्सिमम 30% टैक्स। तो ये हो गया 4 पे 30%, 1,20। ठीक है जी, सो हमारा जो टोटल टैक्स आ रहा है वो आएगा आपका 1,25, 1,20, 1,20 और 1,25, 2,45। दिस इज माई टोटल टैक्स। एग्जाम में तो उसको प्रॉपरली अंडरलाइन भी करके दिखाना होगा ना इसे, तो इस तरह से आप टोटल करके इसको भी आप जैसे बंद कर देंगे तो बेटर रहेगा। इस तरह से ये टोटल टैक्स हो गया कि टैक्स कंपिटिशन जो है हमारी इस तरह से हो गई कि हमने अगर जैसे 14 लाख की इनकम कमाई है तो पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 10%, 20%, 30%। दिस इज हाउ वी कंप्यूट टैक्स। अभी बैलेंस मैंने जो निकाला है 14 लाख, अगर ये 14 लाख की जगह सपोज 1 करोड़ भी हो या कितना भी ऊपर हो, तो 10 लाख से ऊपर जितना भी पोर्शन है इसमें 4 लाख, 14 लाख था तो मैंने 4 लाख लिया। अगर सपोज 50 लाख का क्वेश्चन होता तो 40 लाख पे 30%, 12 लाख निकाल रहे होते। ये 30% 10 लाख से ऊपर एज इट इज ही लगेगा। ठीक है जी, चलिए अब पढ़ेंगे हम आपके साथ सरचार्ज क्या होता है। देखिए असेसमेंट ईयर 15-16 जिसके लिए मैं आपको टैक्स कंप्यूटेशन सिखा रहा हूं, इसमें जो सरचार्ज आया है वो है 1 करोड़ के ऊपर जाने पर 10%। ठीक है, कुछ केसेस में मार्जिनल रिलीफ भी है, बट मार्जिनल रिलीफ मैं आपको सैलरी के साथ बताऊंगा। तो अगर 1 करोड़ से किसी बंदे की इनकम ऊपर है तो उसको 10% सरचार्ज लगेगा। अब आइए इस बात को समझते हैं, मैं एक बार इस बात को दोबारा से भी लिख रहा हूं, दैट सरचार्ज इज एप्लीकेबल व्हेन नेट इनकम टैक्सेबल इनकम इज मोर देन रुपीज 1 करोड़। यानी 1 करोड़ पर भी सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से ऊपर पर लगेगा। एंड इफ एप्लीकेबल इट इज 10%
of tax which we have already computed. ठीक है, जो ऑलरेडी कंप्यूटेड टैक्स है उसका 10% होगा. अब इसका भी हमें एक एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज एक बंदे की इनकम है 1,20,00,000. ठीक है, अब इसका टैक्स निकालते हैं. रूल इसका भी वही रहेगा. इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं. सपोज अब हमारे को सॉल्व करना है 1,20,00,000 पर टैक्स निकालना है. तो जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था उसी स्टाइल से चलेंगे हम. फर्स्ट 2,50,000 पे 0%. ठीक है, ये आ गया 0. उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 पे 10%. तो ये आ गया आपका 25,000. उसके बाद फिर नेक्स्ट 5,00,000 पे 20%. ये आ गया आपका 1,00,000. अच्छा, अब 10,00,000 का तो हिसाब कर दिया. अब रह गया 1,20,00,000 में से नेक्स्ट या बैलेंस 1,10,00,000. ठीक है, इस पे लग रहा है 30%. तो ये कितना हो गया जी, 33,00,000. 1,10,00,000 पे 30%. जी हाँ, 33,00,000. ठीक है, तो यहां तक जो इसका टैक्स बन गया टोटल टैक्स, दिस इज नाउ आई विल कॉल बिफोर सरचार्ज. उस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि सरचार्ज है तो इसलिए मैं कहूंगा टैक्स जो हमारा बिफोर सरचार्ज आ रहा है दैट इज 33,00,000 एंड 1,25,000. तो ये हो गया 34,25,000. ठीक है जी, अब जो सरचार्ज है हमारा वो लग रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में 1% 1,00,000 से ऊपर है, तो इट इज 10% ऑफ. मैं इसको आगे ले जाऊं ताकि इसकी प्रेजेंटेशन ठीक से बन जाए. इट इज 10% ऑफ रुपीज 34,25,000. ठीक है जी, ये इसका जो फिगर अभी निकल के आई है उसका 10% सरचार्ज होता है. ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3,42,500. 3,42,500 जो है हमारा सरचार्ज आ गया. तो माय टोटल टैक्स दिस टाइम आई विल कॉल इट इंक्लूडिंग सरचार्ज. एक्चुअली फाइनल अभी खत्म नहीं हुआ इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं. इंक्लूडिंग सरचार्ज आपका जो टैक्स आ रहा है दैट इज 37,67,500. ये हमारा जो है फाइनल टैक्स बन गया इंक्लूडिंग सरचार्ज. बात आ रही सुन में, इंक्लूडिंग सरचार्ज जो हमारा टैक्स आ गया दैट इज 37,67,500. आई होप इट इज वेरी क्लियर, वेरी इजी. तो आपने हर क्वेश्चन में स्लैब्स जो वही हैं 2,50,000 जीरो, उसके बाद 10%, 20%, 30%, वो तो हमेशा रखना है. अगर क्वेश्चन 1,00,000 तो अगर क्वेश्चन 1,00,000 को क्रॉस करता है आपकी इनकम तो आपने उसमें फिर 10% सरचार्ज भी लगाना है. हर केस में लगाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है जी, चलिए अब हम पढ़ाएंगे आपको रिबेट के बारे में. ये तो मैंने पढ़ाया सरचार्ज. सरचार्ज का मतलब क्या हुआ, एडिशनल टैक्स. अब हम पढ़ा रहे हैं आपको रिबेट के बारे में. रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, यानी आपके टैक्स में से कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. सो दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A. अब ये जो रिबेट मिलती है ये कोई बहुत ज्यादा रिबेट नहीं है. कई बार ऐसा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ना थोड़ा पॉलिटिकल स्टंट मारने के लिए छोटा मोटा डिस्काउंट निकालती है ताकि कुछ बोलने के लिए भी हो जाए, देखो जी हमने ये रिबेट दे दिया एंड ऑल दैट. तो जिन लोगों की इनकम अप टू 5,00,000 है, यानी एग्जैक्ट 5,00,000 पर भी मिलेगी रिबेट, जिन लोगों की इनकम एग्जैक्ट अप टू 5,00,000 है उनको ये रिबेट जो है वो मिलती है, और वो भी तब जबकि वो इंडिविजुअल हो, यानी कि कंपनी पार्टनरशिप्स वगैरह को ये रिबेट जो है वो नहीं मिलेगी. बात आ रही है सुन में, कंपनी पार्टनरशिप वगैरह को ये रिबेट नहीं मिलेगी. दिस इज ओनली फॉर एन इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5,00,000 तक हो उसको रिबेट मिलेगी, और वो भी कितनी, मैक्सिमम 2,000. ध्यान रखिएगा 2,000 फ्लैट नहीं है, दिस इज मैक्सिमम. एक्चुअली जो रिबेट है दैट रिबेट इज इक्वल टू रुपीज 2,000 और टैक्स विच एवर इज लेस. यानी अगर किसी बंदे का टैक्स इससे भी कम आ रहा है, अब 2,000 पे भी क्या टैक्स होता है, बट जो भी है अगर आ रहा है किसी का. अब मान लेते हैं 2,50,000 तक मैंने भी पढ़ाया टैक्स फ्री है. सपोज किसी बंदे की इनकम 2,50,000 की जगह 2,60,000 है. अब 2,60,000 का मतलब 2,50,000 तो टैक्स फ्री, अगले 10,000 पे 10% 1,000 रुपये टैक्स आया ना, तो ऐसे बंदे के लिए फिर रिबेट भी 1,000 है. तो इसका मतलब ये हो गया प्रैक्टिकली कि भी 2,70,000 तक, यानी अगले 20,000 पे टैक्स बनेगा 2,000. तो 2,70,000 तक के लोगों को एक तरह से प्रैक्टिकली टैक्स फ्री किया हुआ है.
क्योंकि अगर उनका 270 इनकम है, मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, सपोज एक बंदे की नेट इनकम जो आ रही है दैट इज 2,70,000, राइट। अब उसका जो टैक्स है वो हमने कंप्यूट किया, टैक्स हमने कंप्यूट किया, हमने लिखा जी उसका जो फर्स्ट 2,50,000 है उस पर हमने किया 0%, तो ये आया 0, ठीक है। उसके बाद अगले जो भी इनकी बैलेंस इनकम है उस नेक्स्ट 20,000 पे उसका आया 10%, तो उसके हिसाब से आ गया हमारा 20,000 पे 10% 2,000। तो इस सिचुएशन में जो रिबेट है वो भी 2,000 मिलेगी, बिकॉज द रिबेट इज इक्वल टू 2,000 और टैक्स विच एवर इज लेस। हाँ, इससे ऊपर वाले जो भी केसेस हैं उनमें फिर 2,000 पे ही रिबेट आएगी, बट ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में ऐसा कोई रूल बना लो अपने दिमाग में। एग्जाम में प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे ही लिखना है दैट रिबेट इज इक्वल टू 2,000 और टैक्स विच एवर इज लेस, ठीक है ना। तो मैं इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। जैसे सपोज मिस्टर ए इज हैविंग एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 3,40,000, ठीक है। आपको सपोज क्वेश्चन कहता है कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। अभी इसमें कंप्लीट लायबिलिटी तो नहीं निकलेगी, लेकिन मैं इसको कह देता हूं कंप्लीट लायबिलिटी, ठीक है ना, आफ्टर रिबेट। एक तरह से अभी भी ये इनकम्प्लीट है, अभी एक स्टेप और बताना है आपको। तो 3,40 का मतलब क्या हो गया, मैं सीधे सीधे सॉल्व कर दूं, फर्स्ट 2,50,000 पे तो उसका हो गया 0%, यानी कि 0, और नेक्स्ट उसका बच गया 3,40 में से 2,50 के 90,000, 3,40,000 माइनस 2,50,000 इसका आ गया 90,000, नेक्स्ट आ गया 90,000, तो 90,000 पे लगेगा 10%, इसका मतलब हो गया इसका आंसर 9,000। तो अब जो इसकी रिबेट आएगी, अरिवासन में जो इसकी रिबेट है अंडर सेक्शन 87A, अंडर सेक्शन इस तरह से आप लिख सकते हैं एग्जाम में भी, अंडर सेक्शन 87A दैट इज रुपीज 2,000 और टैक्स विच एवर इज लेस, ऐसे एग्जाम में भी लिखना है आपको विच एवर इज लेस। तो उसके इस रूल के हिसाब से जो आएगी इसकी रिबेट दैट इज 2,000, ठीक है ना। तो अब आपका जो टैक्स बन गया, अब आपका जो टैक्स बन गया इसके हिसाब से वो बन गया फाइनली 7,000, एंड दिस इज नॉट द फाइनल टैक्स एक्चुअली, दिस इज माय टैक्स आफ्टर रिबेट। बात आ रही समझ में, दिस इज माई टैक्स आफ्टर रिबेट। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन भी करके बताए, ये रिबेट मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 87A सेक्शन याद करना पड़ेगा जी, 100% याद करना पड़ेगा, ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन को आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते, टीचर माइंड करेगा। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है वो आपको मिलेगी, और 2,000 पे मैक्सिमम मिलेगी, जितना आपका टैक्स बनता है या तो वो या 2,000, विच एवर इज लेस, बस सिंपल। नाउ मैं अपनी फेस टू फेस क्लासेस में स्टूडेंट से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो कि ज्यादातर बच्चों को, अगर नए स्टूडेंट हो खासकर, तो कंफ्यूज है, और वो ये कि अगर क्वेश्चन में दोनों लगे, सपोज बोथ रिबेट एंड सरचार्ज इज एप्लीकेबल, तो आप इनमें से पहला कौन सा लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सरचार्ज बताया कि 10% सरचार्ज लगता है, और अब 2,000 रुपए की रिबेट बताई, तो आप एक सेकंड के लिए सोच के बताएंगे कि दोनों में से कौन सा पहले आएगा, मतलब रिबेट पहले लगेगी या सरचार्ज पहले ऐड होगा। अगर आपने सोच लिया हो तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको आंसर बताता हूं, दैट बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि किसी भी क्वेश्चन में, इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, ईदर रिबेट विल अप्लाई और सरचार्ज, दोनों एक साथ लगेंगे ही नहीं। आई थिंक अब तक तो ध्यान आ ही गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रिबेट उसको मिलती है जिसकी इनकम 5,00,000 तक हो, सरचार्ज उस पर लगता है जिसकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है।
तो इसका मतलब हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चन हो गए। एक वो जिनमें इनकम 5 लाख तक है, उसमें तो 2 हजार की रिबेट लगेगी। दूसरे वो क्वेश्चन जिनमें इनकम 5 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक है, उसमें ना रिबेट मिलेगी ना सरचार्ज लगेगा। और तीसरे वो क्वेश्चन जिनमें इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, उसमें सरचार्ज लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया। और रिबेट जो है अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब ये रिबेट में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा टैक्स हो, हर तरह के टैक्स पे ये रिबेट मिल जाएगी, चाहे लॉटरीज पे हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हो, सभी पे। इसके अलावा अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कि एजुकेशन सेस, गवर्नमेंट ने एजुकेशन के नाम पर टैक्स इकट्ठा करने के लिए अलग से टैक्स लगाया है 2% का। फाइनली जो भी हमारी टैक्स कंप्यूटेशन बन रही है उस पर 2% एजुकेशन सेस लग रहा है और 1% जो है वो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन टैक्स लग रहा है। ये किस पे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा टैक्स आफ्टर रिबेट पे या टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज पे, जैसा भी हो, जैसा भी मैंने पढ़ाया। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, ये दोनों सेस, एक तो पहली बात दोनों अलग अलग लगने हैं, दूसरी बात ये हर क्वेश्चन में लगने हैं। अभी मैंने आपको कहे थे तीन तरह के क्वेश्चन है, एक जिनमें इनकम 5 लाख तक हो, एक जिनमें इनकम 5 लाख से 1 करोड़ हो, और तीसरा जिसमें इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो। लेकिन तीनों ही क्वेश्चन में एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस लगेगा ही लगेगा, और जो आपकी फिगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है उस पर यह कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्विकली आपको कराने के लिए एग्जाम्पल दे देता हूं। ठीक है, जो असाइनमेंट इसके बारे में आपको मिला है और इस वेबसाइट पर भी अपलोडेड है, उसमें इलस्ट्रेशंस मैंने दिए हैं जिनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं, तो यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। अब मैं जैसे फाइनल टैक्स आपको निकाल के दिखाऊंगा जिसमें हम राउंडिंग ऑफ भी करेंगे। याद होगा पहली वीडियो में मैंने आपको राउंडिंग ऑफ बताई थी कि टैक्स 10 रुपीज में राउंड ऑफ करते हैं सेक्शन 288A में। अभी मैं वो सारा आपको करके बताता हूँ। एक क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं, सपोज नेट इनकम जो है हम लेके चलते हैं से इट इज 4,60,000। अब हमें इसके ऊपर टैक्स जो है वो निकालना है, तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो फर्स्ट 2,50,000, जहां तक इस फिगर का सवाल है, इस पे आपको पता ही है 0% टैक्स लगेगा, तो इसके ऊपर टैक्स आ गया 0। फिर आगे आपका नेक्स्ट 2,10,000, 4,60,000 टोटल है, 2.5 लाख इसमें से टैक्स फ्री हो गया, बच गया 2,10,000। ठीक है, इसके ऊपर हमारा 10% टैक्स लग गया, तो ये हो गया हमारा 21,000। करेक्ट, ये तो हो गया, टोटल भी 21,000 ही आ रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। टोटल टैक्स जो है एक तरह से इसको हम फिर बिफोर रिबेट लिख सकते हैं, तो बिफोर रिबेट जो हमारा टोटल टैक्स आ गया दैट इज 21,000। नाउ अब जैसा मैंने अभी आपको पढ़ाया, जिसकी भी इनकम 5 लाख तक हो उसको रिबेट मिलेगी, तो रिबेट अंडर सेक्शन जो है आपका अंडर सेक्शन 87A दैट इज 2000, क्योंकि इसका टैक्स तो ज्यादा ही है, तो इसका जो टैक्स आफ्टर रिबेट आ रहा है वो हो गया 19,000। एम आई राइट? 21,000 में से 2,000 रुपए इसको रिबेट मिल गई 87A में। एग्जाम में इसको और थोड़ा प्रॉपर लिख देंगे, टैक्स और रिबेट विच एवर इज लेस, ₹2,000 और टैक्स विच एवर इज लेस करके, तो ये आ गया 2,000, अपना टैक्स आफ्टर रिबेट बन गया 19,000। अब इसमें जो हमारा एजुकेशन सेस है, एजुकेशन सेस जो है दैट इज 1%, आरिभाषण में तो ये 19,000 का, सॉरी एजुकेशन सेस इज 2%, तो 19,000 का 2% जो है इसके अंदर आपने ऐड करना है, इट इज 380, आरिभाषण में। एंड सेकेंडरी हायर एंड एजुकेशन सेस SHEC, शॉर्ट फॉर्म अवॉइड ही कीजिएगा, लेकिन अगर आप यूज करते हैं तो कोई इतनी आफत भी नहीं मचेगी वैसे, तो इसमें हो गया 190। करेक्ट, तो अब मेरा जो फोन फाइनली टोटल टैक्स आ रहा है, फाइनली जो मेरा टोटल टैक्स आ रहा है वो हो गया 19,001 हो गया, 380 हो गया, 191 हो गया, माय फाइनल आंसर इज 19,570। ये टैक्स बन रहा है उस बंदे का जिसकी इनकम है 4,60,000। मैं एक बार फिर से देख लेता हूं, 2,10 पे 10%, अच्छा
आया 21,000, इसमें से 2,000 कट गई रिबेट, आया 19,000 प्लस में 3%, ये हो गया आपका 19,570। मैंने एक रफ कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे किया 3%, वैसे एग्जाम में इसको अलग अलग शो करना है। एजुकेशन सेस 2% एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस 1%, 190। सो इस तरह से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। बात आ रही समझ में? अगर मैं 5 लाख से ऊपर का क्वेश्चन लूंगा तो उसमें तो और भी आसान हो जाएगा, आप समझ ही सकते हैं उसमें रिबेट होगी ही नहीं, तो फिर तो सीधा सीधा ही आपने बस लास्ट में 2% और 1% जोड़ना है। हाँ, जो सरचार्ज वाले क्वेश्चन है उसमें ये 2% 1% और ऐड करना होता है। जैसे जो ऊपर क्वेश्चन था सरचार्ज वाला, आइए उसमें मैं इसको आपको कंप्लीट करवा देता हूं। जैसे अब ये क्वेश्चन था ना, टैक्स आफ्टर रिबेट, तो इसमें भी 7,000 के अंदर फिर 3% और ऐड हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन हमने किया था अभी सरचार्ज वाला, हाँ ये क्वेश्चन था ना एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से ले लेता हूँ, नहीं तो टाइम हमारा और लग जाएगा इसी काम में। सपोज हमारा जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से हमारी इनकम जो थी वो थी 1,20,00,000, तो मैंने उस पर आपको सिखाया था 2,50,000 पे 0, अगले 2,50,000 पे 25,000, अगले 5,00,000 पे 20%, 1,00,000, और फिर 1,10,00,000 पे 30%, 33,00,000, तो हमारा बन गया था 34,25,000, 34,25,000, 10% हमने इसमें सरचार्ज जोड़ दिया था, लेकिन ये इनकम्प्लीट था, दिस इज टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब हम इसमें अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें एजुकेशन सेस हम 2% का और लगाएंगे। बात आ रही समझ में? 37,67,500, इसका 2% हमने कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 75,350, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस पे आप लगाएंगे 1%, तो ये आप समझ पा रहे हैं 2% मैंने किसका निकाला, 2% मैंने निकाला 37,67,500, यानी जो फाइनल आंसर आ रहा था अभी तक उसका 2% और 1% हमने ऐड करना है। आ रही समझ में? तो ये हो गया हमारा 37,675, ठीक है। तो अब जो मेरा टोटल टैक्स आ गया, वो हो गया मेरा 37,67,500 प्लस में 75,350 प्लस में 37,675, इट इज कमिंग टू 38,80,525, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हमें जीरो चाहिए होता है 10 रुपीज के मल्टीपल्स में, तो टोटल टैक्स राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288(b) ये हो गया आपका 38,80,530। अपने को लास्ट में 5 रुपीज का हायर मल्टीपल लेना होता है, अगर ये 524 होता तो मैं 520 लेता, ठीक है। सो आई होप अब आप एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस समझ चुके हैं। ये 2% 1% अलग अलग शो करना है एग्जाम में और हर क्वेश्चन में लगेगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, अनलेस की टैक्सी जीरो आ रहा हो। अब मान लेते किसी क्वेश्चन में रिबेट काट के टैक्सी जीरो हो गया तो फिर कहां से आप निकालोगे। अदरवाइज हर क्वेश्चन में आपका एजुकेशन सेस 2% एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस 1%, ये हर क्वेश्चन में लगता ही लगता है, ठीक है। ये रिबेट के प्रोविजंस हो गए जो मैंने भी आपको पढ़ाए, और उसके बाद सरचार्ज मैं समझा ही चुका हूँ, ये भी अब आपको क्लियर हो गया है। ये मैंने एक आपको कंप्यूटेशन सिखा दी थी, ठीक है, ये एक इलस्ट्रेशन है, इसको आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या स्लैब्स हैं। देखिए जहाँ तक सवाल है सीनियर सिटीजन्स का, तो सीनियर सिटीजन्स वो हैं जो इंडिया के रेजिडेंट हैं, यानी कि ये बेनिफिट जो है, बेनिफिट इस सेंस में भी मैं आपको बताऊंगा, 50,000 रुपये हम उनका टैक्स जो है वो 50,000 की इनकम उनको एडिशनल एग्जेम्पशन दे रहे हैं, तो एक तरह से सीनियर सिटीजन को इंडिया में बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उन्हीं को जो कि इंडिया के रेजिडेंट्स हैं जो यहाँ हैं। तो सीनियर सिटीजन जो है उसकी डेफिनेशन है जिसकी एज है 60 ईयर्स और मोर, 60 या उससे ज्यादा, बट लेस देन 80। अब लेस देन 80 इसलिए क्या है, क्योंकि उसके लिए फिर वो बना दिया सुपर सीनियर सिटीजन। जो सुपर सीनियर सिटीजन है उसकी एज है 80 ईयर्स और मोर, इन दोनों के लिए भी स्लैब्स अलग अलग किए हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो इसके लिए जो स्लैब है वो ये है कि जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, अगर 3 लाख तक है तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अभी मैंने आपको लेस देन 60 ईयर्स के लिए पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब वही है, सब कुछ वही, रिबेट वही, सरचार्ज वही, सब कुछ वही, बस सिर्फ इतना फर्क है कि सीनियर सिटीजन के लिए जो इनकम 60 साल से कम के व्यक्ति के लिए 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। फॉर दैट पर्सन इफ द इनकम ही इज ए सीनियर सिटीजन तो इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख। 3 लाख तक की इसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, बाकी सारा सेम है। तो ये सारा आपको असाइनमेंट में भी दिया हुआ है एज इट इज, तो मैं एक बार इसको यहां पर आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं। फॉर
सीनियर सिटीजन्स फर्स्ट 3 लाख इज टैक्स फ्री, फिर नेक्स्ट 2 लाख, 5 लाख तक ही जाती है ना, गवर्नमेंट अपने स्लैब तो उन्होंने सेम रखा हुआ है, तो नेक्स्ट 2 लाख पे 10% टैक्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 लाख है, 5 के बाद अगला स्लैब 10 लाख तक जाता है, उस पर 20% टैक्स है, और फिर जो बैलेंस हमारी इनकम है उस पर 30% जो है वो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। वही 10% सरचार्ज है इफ नेट इनकम इज मोर देन ₹1 करोड़, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, रिबेट भी सेम है, ऐसा नहीं कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो उनको मिल रही है दैट इज ₹2,000 और टैक्स विच एवर इज लेस, मतलब वो सारी बातें सेम है, ईसी 2% एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस 1%, वो सब कुछ एवरीथिंग इज सेम। तो पहले 3 लाख टैक्स फ्री सीनियर सिटीजन्स एज 60 या उससे ज्यादा बट 80 से कम, तो ये उनके लिए टोटल स्लैब्स हो गए। जहां तक सुपर सीनियर सिटीजन्स का सवाल है जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है, उनके लिए पहला स्लैब पूरा एग्जम्प्ट है, यानी उनके लिए बजाय 2.5 लाख 3 लाख के पूरा 5 लाख टैक्स फ्री है, और फिर सीधा 20% से उनकी कहानी शुरू होती है। तो आपको असाइनमेंट के अंदर जो है ये सब क्लियरली समझाया हुआ है, और इसको मैं एक बार आपके लिए दोबारा से टाइप कर देता हूं। तो फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स, आप साथ साथ चाहें तो एक मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स खासकर वीडियो से, वो आदत डाल दें कि जब भी कुछ असाइनमेंट में उनके हाथ में है, जब मैं कुछ लिख रहा हूं तो वो असाइनमेंट के अंदर जो है या अपने रजिस्टर में हाथ के जो मैं टाइप कर रहा हूं उसको भी हाथ साथ लिखने की वो अपनी एक प्रैक्टिस डालें। तो फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स क्या मैंने रेट बताया है कि उनके लिए फर्स्ट 5 लाख रुपीज जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, उसके बाद क्योंकि 5 लाख तक तो हो ही गया तो फिर गवर्नमेंट अगला स्लैब 10 लाख पे लेती है, तो नेक्स्ट जो 5 लाख हैं उस पर 20% टैक्स है। ध्यान दीजिएगा 10% वाला कोई स्लैब ही नहीं है सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए, ये सुपर सीनियर सिटीजन हो गए 80 साल से ऊपर, जैसे हमारे भाई साहब है MDH मसाले वाले, और जो भी फिर इनकी बैलेंस इनकम है उस पर जो टैक्स लग रहा है दैट इज 30%। आ रही बात समझ में? बाकी अब मैं दोबारा से टाइप नहीं कर रहा, सरचार्ज रिबेट का तो फिर यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि 5 लाख तक तो वैसे ही टैक्स फ्री है, तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ सरचार्ज ही जो है वो एप्लीकेबल होगा इनके ऊपर एज यूजुअल, और साथ में उनके ऊपर वही ईसी और SHEC के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होगा। ठीक है, सिंपल है। मेरे ख्याल से आपको मेरी कंप्यूटेशन जो मैंने सिखाई आपको टैक्स की वो समझ में आ रही होगी। ये मैंने लेटेस्ट आपको असेसमेंट ईयर 15-16 के हिसाब से टैक्स कंप्यूटेशन सिखाई है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जिनकी उम्र 60 साल से कम है पहले 2.5 लाख टैक्स फ्री है, उसके ऊपर फिर 10%, 5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम जाएगी 20%, 10 लाख से ऊपर जितनी जाएगी 30%। यही स्लैब जब सीनियर सिटीजन होता है तो पहले 3 लाख टैक्स फ्री, उसके बाद फिर वही 10%, 20%, 30%। सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए पहले 5 लाख टैक्स फ्री, उसके बाद फिर अगले 5 लाख पे 20 और बैलेंस पे 30। हर क्वेश्चन में ईसी 2%, SHEC 1% लास्ट में लगाना है। रिबेट 2000 मैक्सिमम मिलेगी अगर इनकम 5 लाख तक है, और सरचार्ज 10% लगेगा अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। बस ये आपके टैक्स रेट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा 2-3 स्पेशल टैक्स रेट्स और हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा अभी सिर्फ, क्योंकि नेचुरली इनके कंसेप्ट्स को हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो दो कंसेप्ट जो है वो कैपिटल गेन के चैप्टर के हैं, और एक कंसेप्ट जो है वो लॉटरी के चैप्टर का है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट 20% लगता है, यानी इनके ऊपर ये स्लैब नहीं लगता जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया। ये एक स्पेशल पॉइंट है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए भी बता रहा हूँ, इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे जब हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पहुंचेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, जब बंदा किसी एसेट को नॉर्मली, मतलब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है लेकिन फिर भी बात है ना, इसीलिए मैं इस चैप्टर को आज अभी छेड़ना नहीं चाह रहा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है, जब बंदा 3 साल के बाद कोई प्लॉट, कोई बिल्डिंग, कोई गोल्ड या कोई इस तरह की जो है चीज बेचता है, तो उस पर गवर्नमेंट फिर 20% टैक्स जो है उससे वो लेती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कोई सेल ऑफ एसेट है वो भी आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, सो दिस इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज सेल ऑफ एसेट आफ्टर 3 इयर्स। बट जो मैं बता रहा हूं आपको ये भी कोई एक स्टैंडर्ड रूल नहीं है, कुछ चीजों में 1 साल के बाद भी लॉन्ग टर्म हो जाता है, बट वो सब चीजें मैं आपको तब बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ेंगे हम कैपिटल गेन्स का। तो फिलहाल इतने ही आप समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स जो है फ्लैट लग रहा है अगर हमारी एसेट्स 3 साल के बाद बिक रही हैं। ठीक है, लॉटरीज, टेलीविजन गेम शोज और इस तरह की जितनी भी इनकम्स हैं इसके ऊपर फ्लैट
जो है टैक्स जो है वो 30% है। यानी आज की तारीख में अगर आप टेलीविजन गेम शो में कुछ जीत रहे हैं या आपकी कोई लॉटरी लग जाती है तो आपके ऊपर जो टैक्स लगने वाला है दैट इज 30%। इसके अलावा अगर सेक्शन 111A, ये टिपिकल सेक्शन है, इसमें अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर फ्लैट 15% टैक्स लगता है। अब इसमें आता क्या है, ब्रीफ में बता देता हूं। जब आप लिस्टेड शेयर्स को, लिस्टेड शेयर्स माने जो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स होते हैं, अगर आप लिस्टेड शेयर्स को बेचते हो, लिस्टेड शेयर सोल्ड विद इन वन ईयर, तो उससे जो गेन होता है उस पे गवर्नमेंट ने 15% टैक्स बनाया हुआ है। ब्रीफ में बताया मैंने, ऑब्वियसली मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट फिर भी एक स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी रहती है कि सर जो पढ़ा रहे हो थोड़ा सा तो बताई दो हाथ के हाथ की क्या है। तो 111A जो सेक्शन है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, इस पे 15% फ्लैट टैक्स लगता है, और इसमें लिस्टेड शेयर्स जो आपने एक साल के अंदर बेच दिए हैं स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स, उन पे 15% टैक्स लगता है। जैसे मान लेते हैं मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे और 3 महीने में बेचे और उस डील में खरीदने और बेचने में मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उस 1 लाख पे 15% फ्लैट टैक्स लगेगा, 15,000 रुपये, ठीक है। लेकिन इन सब पे भी जितने भी मैंने पढ़ाए ECS HEC लास्ट में वही 2%, 1% एज यूजल आपका लग जाएगा। एक इलस्ट्रेशन इसी कंसेप्ट के ऊपर दी हुई है। इसके आगे जो कंसेप्ट हैं हु इज असेसी एंड अदर थिंग्स, वो मैं आपको थर्ड वीडियो में पढ़ाऊंगा। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आप किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस करें, जैसे मैंने हमेशा से कहा है, स्पेशली मैं अभी अपनी तरफ से तो हर स्टूडेंट को फ्री वीडियोस देने की कोशिश करता ही हूँ। मैं हर इन्फॉर्मेशन अपनी हर वीडियो के एंड में बताता हूँ कि जो फ्री वीडियोस हैं, बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं, वो अवेलेबल हैं www.ngpa.in पर। आप फेसबुक से भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, तो फेसबुक के ऊपर जो मेरा पेज है फ्री टैक्सेशन क्लासेस का, उस पर भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी डेली अपडेट्स अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पे। और अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट हैं तो आप अपनी क्वेरीज को मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर 9810139214 पे। यूजली मैं व्हाट्सएप पर ही अवेलेबल हो पाता हूँ, तो बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होगा देन आई विल कॉल माई सेल्फ। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ रिकॉर्डिंग से या फेस टू फेस क्लासेस से, तो मैं खुद आपको कॉल करके आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। तो इस तरह से आप जो है मेरे से जुड़ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप बेझिझक पूछ लीजिए और अपनी पढ़ाई ध्यान से कीजिए। और दैट्स इट, मिलते हैं फिर आपसे, बाय।